इनसे मिलिए, ये है मिस्टर प्रोफेसर जेएस पठानिया, वाटर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का ये कहना है कि सबसे पहले तो आप ये देखोगे आपको जो प्लांट जो हमारा मिलेगा सबसे पहले ऑपोजिशन में मिलेगा, ठीक है जी। ऑपोजिशन मानो इसकी एमसीबी बंद, वहाँ का मेन स्विच बंद, और गेट वाल जो है ये गेट वाल आपका जो टैंक का है ये बंद। अब ये रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा लग रहा है, अच्छा ठीक है जी। तो आपका सबसे पहले कर्तव्य ये बनेगा कि सबसे पहले आप टैंक का मेन गेट वाल जो है उसको खोलोगे, उसके बाद आप यहाँ पे दो पंप है हमारे जो रॉ वाटर के हैं, पंप नंबर एक पंप नंबर टू, ठीक है जी। तो पंप नंबर जो एक है वो हमने ये माना हुआ है ये वाला, और इस टाइम ऑपरेशनल में ये है क्योंकि इसके गेट वाल खुले हुए हैं और सेकंड वाले के जो हैं वो गेट वाल बंद है, आप देख सकते हैं गेट वाल बंद है। ये बीच वाला वॉल जो है ये प्रेशर का एडजस्ट करने वाला है कि हमें कितना प्रेशर आगे रेज करना, ठीक। इसको तभी आप ऑपरेट करोगे जब प्रेशर की कोई दिक्कत आती है। प्रेशर अगर हाई हो रहा है तो उसको आप 3-2.5 kg के भी चलाओगे, अगर लो हो रहा है तब भी इसको 3 kg, मतलब 3 kg के आपको उसको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद आ जाओ आप ये एमसीबी मेन की, इसको ऑन करोगे, उसके बाद ये आपको ऑटो मोड पे मिलेगा, ये मेन स्विच अभी बंद है, ठीक। इसको आप मैनुअल पे करोगे, जैसे ये आपका क्या है ऑटो है, ये आपने मैनुअल कर दिया, इस स्विच को बंद ही रखोगे। सबसे पहले आप इसको देखोगे मल्टीपोर्ट वॉल्व में ऐसा है कि इसकी 3 पोजीशन है, फिल्टर, रिंस, बैकवॉश, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन का है, यहाँ पे ये नंबर एक पे आता है फिल्ट्रेशन, फिर नंबर दो भी आता है बैकवॉश, और नंबर 3 पे आता है रिंस। तो एक नंबर से आपको सीधा इसको 2 नंबर पे ले जाना है, जैसे ये आ गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि आपका उस टाइम प्रेशर जो है ये प्रेशर गेज है ये 0 पे होना चाहिए, जैसे अभी 0 ये दर्शा रहा है, इसको ऑपरेट तभी करना है जब इस पे 0 प्रेशर है। आपने सेलेक्ट कर दिया मल्टीपल वॉल्व का बैकवॉश में, उसके बाद आप आए इस पे, इसका स्विच आपने ऑन कर दिया, एमसीबी हम भूल गए थे इसको ऑन करने, ये एमसीबी आपकी ऑन हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी अंधेपन में बहुत होशियारी करता है लेकिन वो काम गलत भी हो सकता है, आपको ये चेक करना है कि ये उसी बैकवॉश में है कि कहीं दूसरे, ये यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बैकवॉश का यहाँ पे है, ये देखिए आप इसका भी वीडियो बनाइए, बैकवॉश लिखा हुआ देखिए आप, ये इसमें सिलेक्शन में है, मोड पे कर रखा है, स्विच हमारा ऑन है, खाली मोटर अभी बंद है। तो मोटर को ऑन करने के लिए यहाँ पे देखिए ये मैनुअल स्टार्ट का है, ये आपका अभी मोटर चलती हुई दिखाइए आप, ठीक है जी। कौन सा चल रहा है पंप, हमारा नंबर 1 चल रहा है। अब आपने ये तो कर दिया लेकिन आपने ड्रेन आउट पे देखना है कि पानी निकल रहा है। ये हमारा ड्रेन आउट है, जो टावरों की क्लीनिंग वगैरह जो भी होती है वो नोट हो जाता है, जो हार्वेस्टिंग में जा रहा है। तो ये 5-5 मिनट करते हैं, पानी की पोजीशन को देखते हो, अगर पानी ज्यादा गंदा आ रहा है तो इसको ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम हमने 5 मिनट सेट किया हुआ है। उसके बाद जब भी इसको ऑपरेट करना है आपको क्या करना है, प्रेशर 0 करना है। प्रेशर 0 करने के लिए आपको मोटर बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फिर आइए, इसको बहुत जेंटली आपको ऑपरेट करना है, ऐसा नहीं कि मोबाइल कान पे लगा है और एक हाथ से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार कट जाएगा, आपका 6000 का वाल डैमेज हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल दोनों हाथ से जैसे जेंटली इसको ऐसे करके लाइए और एक बार इसको यूं करके ऐसे करके ऊपर से सेलेक्ट कीजिए कि हाँ जी बिल्कुल रिंस पे आया कि नहीं।
फिर वही प्रतिक्रिया आपको करनी है, आपको मोटर चला, ये वैसल है, इसको टावर फिल्टर भी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर इसको बोले तो ये वैसल, ठीक है जी। इसके अंदर जो है फिल्ट्रेशन सैंड है, ग्रेवल है, ठीक है, जो पानी छन के जो जो भी है फिल्टर होकर हम आ गए। ऐसे ये सेकंड नंबर की है। वैसे इसकी ज़रूरत इसलिए हमने ये करी है कि एक से भी चल सकता है, लेकिन इन केस अगर हमारा ये वैसल में कोई प्रॉब्लम आती है, चौक हो जाती है, या इसका मल्टीपोर्ट खराब होता है, या कुछ मतलब पानी की कोई भी समस्या होती है, तो हमारा प्लांट बिना ब्रेक डाउन हुए हम प्लांट को इस वाले फिल्टर से सेकंड वाले फिल्टर कैसे से चला सकते, उसका ये भी सिस्टम दे रखा है। उस दौरान आपको ये दोनों एक बार बंद करने होंगे और ये दोनों खोलने होंगे, तभी ये लाइन आपकी यूं करके ऐसे करके इस फिल्टर पे आए। आगे आपको कुछ नहीं करना है, पैसे जो सिलेक्शन है उसी हिसाब से। अगर इन केस इस फिल्टर पे आपकी दिक्कत आती है तो आपको ये दो फिल्टर बंद करने हैं और जो दो खोलने हैं, और ये खोलना, ये दोनों बंद हो जाएंगे, लाइन आपकी ऐसी आए, ऐसी आए और ऐसे करके, और इसमें अगर दिक्कत आती है तो ये बंद होगा, ये खुल जाएगा, ठीक है, और ये खुल जाएगा, ये बंद होगा, तो आप ये फिल्टर से आपको आगे से, और ये वाले खोलने होंगे आपको, ये वाले खोलने होंगे, ये बंद करने होंगे, ठीक है जी, और ये खोलने, ये बाईपास सिस्टम है कि अगर एक फिल्टर खराब हो जाता है तो आप किसी दूसरे फिल्टर पे प्लांट चला सकते हैं। अब आपने रिंग्स पे कर दिया, रिंग्स करने पे आपका ये जीरो प्रेशर है, आप फिर मोटर चलाएंगे तो फिल्टर पे ले, ये आपने फिल्टर पे ले, ओके सर। ऐसे ही प्रतिक्रिया ऐसे है, मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये प्रोसेस मतलब जैसे ये था वैसे। उसके बाद आपका ये अब रेडी है, जब तक क्रिया जो चल रही है 5-5 मिनट की, इतने में आप क्या करेंगे, ये हमारा एंटी स्केलेंट कंटेनर है जिसमें हम डोजिंग के लिए एंटी स्केलेंट का आरओ ट्रीट पानी लेके उसमें 10 लीटर में 100 ग्राम 10 लीटर में 100 ग्राम हम लेके चलते हैं। तो इसको आप निकालेंगे, ये निकाल दिया, इसके अंदर एक कंटेनर और भी पड़ा हुआ है, आप देखना चाहोगे मुझे, ये 10 लीटर की एक बिन पड़ी है जो कि निकाल के आप आरओ का पानी कहाँ से लेंगे, क्योंकि प्लांट तो आपका बंद है, आपने आरओ के टैंक से उसको पानी रिसीव करके इसका एंटीस्पेंट डाल के आपने तैयार कर दिया, घोल इसका बना लिया। अच्छा, अब उसके बाद आप जब ये सारी प्रतिक्रिया होगी तो आप प्लांट को क्या करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे, इसको ऑटो करेंगे, इसको ऑटो करेंगे, ठीक, आपका ये फिल्टर पे है, ये डोजिंग आपने बना दी है। अब आपने खाली इस स्विच को ऑन करना है, ये अब आपका ऑटो में, स्टार्टिंग में प्रेशर जो है ये 3.5 के आसपास आएगा, जैसे प्रेशर हाई प्रेशर पंप चलेगा ये 2.5 kg पे आ जाएगा, और हाई प्रेशर का प्रेशर 10 kg। अब आपको आरओ का पानी जो है